नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे जीरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। जरदोई विधानसभा क्षेत्र देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ ही राजेंद्र सेवाश्रम कुष्ठ रोग निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। जब पूरे देश में इस रोग को लेकर विषमता का बहाव था, तब राजेंद्र बाबू की प्रेरणा से जगदीप दीन ने सेवाश्रम की स्थापना कर महानता का परिचय दिया था। आइए जानते हैं जीरादेई विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हाल के बारे में। इस सीट पर साल 2015 में रमेश सिंह कुशवाहा और आशा देवी आमने सामने के टक्कर में थे। रमेश सिंह कुशवाहा जहां जदयू पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं आशा देवी भाजपा उम्मीदवार थी। इस चुनावी दंगल में रमेश सिंह कुशवाहा ने 40,760 वोट प्राप्त किया था और आशा देवी 34,669 वोट हासिल उन्होंने किया था। इस सीट से जीत की बात की जाए तो रमेश सिंह कुशवाहा 6,198 वोट अधिक प्राप्त कर विधायक सीट पर जीत दर्ज की थी। अब हम इस सीट पर साल 2010 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस साल भाजपा और सीपीआई के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। भाजपा ने अपने उम्मीदवार आशा देवी को उतारा था, वहीं सीपीआई ने अपने सदस्य अमरजीत कुशवाहा को इस सीट पर खड़ा किया था। दोनों उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में आशा देवी को निर्वाचित कर लिया गया। साल 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव को देखा जाए तो इस चुनावी वर्ष में श्याम बहादुर सिंह जदयू से विधायक हो गए थे। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी अजाजुल हक को शिकस्त दिया था। अजाजुल हक राजद के पार्टी से थे। साल 2005 के फरवरी महीने में भी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बाजी पलटी हुई थी। निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू से श्याम बहादुर सिंह थे और विधायक राजद से अजाजुल हक चुने गए थे। साल 2000 के चुनाव में भी इस सीट पर राजद का ही वर्चस्व रहा। राजद उम्मीदवार अजाजुल हक को विधायक चुना गया था। चुनावी साल 1995 में इस सीट से मोहम्मद शहाबुद्दीन विधायक हुए थे। वे जदयू से टिकट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। इस रेस में श्रीजय कुमार भी सम्मिलित थे। उन्होंने इस चुनावी मैदान में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही जरदेई विधानसभा सीट पर साल 1990 में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच टक्कर हुई थी और कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस रेस में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन विधायक चुने गए थे। विकास कार्यों की बात की जाए तो सड़क के साथ साथ छठ पर्व के लिए घाट का भी निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया और उनकी पूर्ति किए जाने की कोशिश की गई। पक्की सड़क, सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया। वहीं चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी अहम मुद्दा रही है। बिजली आपूर्ति की अनियमितता से लोगों को दिक्कत होती है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था यहां का अहम मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो जदयू ने इस बार कमला कुशवाहा को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने अपने वर्तमान विधायक रमेश सिंह कुशवाहा को इस बार बेटिकट कर दिया। वहीं महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले ने अमरजीत सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कड़ा मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के नेताओं के बीच। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीरादेई सीट से कौन बाजी मारने में कामयाब होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।